So today we are going to start with the different accounting terms. आज का पहला अकाउंटिंग टर्म्स है हमारे लिए अकाउंटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ईयर, और या तो हम लोग इसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. क्या होता है अकाउंटिंग ईयर? What is accounting year? Accounting year या accounting period is the time frame for which accounting is done. I'll give an example. School में sports होता है, या आप कभी किसी race देखे होंगे, दौड़, racing. तो आपने देखा है कि कभी भी जब कोई race किया जाता है तो उस race का एक starting point होता है और उसका एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, राइट? और जो रेस, जो पार्टिसिपेंट्स दौड़ते हैं, वो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ए से दौड़ करके वो बी तक जाते हैं, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, और इस डिस्टेंस का हम लोग विजेता, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया वो डिसाइड किया जाता है. अब एक बात बताओ, ये सोचो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन फिनिशिंग पॉइंट ना हो रेस का, सो यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट द रेस, बट इफ यू डू नॉट हैव अ फिनिशिंग पॉइंट ऑफ योर रेस, व्हाट विल हैपन? वेरी गुड, दे विल कीप ऑन रनिंग. सो व्हाट If they will keep on running, दौड़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा? सब कोई विनर नहीं होगा. Very good. There will be no winner. मतलब in short, there will be no result. ये जो race लगा, इस race का कोई result नहीं निकलेगा. निकलेगा result? नहीं निकलेगा. Correct. So अगर आपको इस race का result चाहिए, अगर आपको एंड रिजल्ट चाहिए, तो आपका एंड रिजल्ट जो निकलता है वो एक डिस्टेंस का निकलता है. वो डिस्टेंस 100 मीटर हो, वो डिस्टेंस 500 मीटर हो, वो डिस्टेंस 1500 मीटर हो, बट एक डेफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए. जब तक एक डेफिनेट डिस्टेंस होगा नहीं, तो उस रेस का, उस कॉम्पिटिशन का कोई रिजल्ट निकल के बाहर नहीं आएगा. बस यही कॉन्सेप्ट, एकदम यही चीज हम लोग अकाउंटिंग में भी लगाते हैं. हमारा अकाउंटिंग से, फॉर एग्जांपल आज मंडे, सो मंडे से अकाउंटिंग शुरू होता है. ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मंडे, और मंडे से मैंने अकाउंटिंग को स्टार्ट किया, हिसाब रखना स्टार्ट किया. तो जब हम लोग हिसाब रखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन खत्म भी तो कहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. अगर हम खत्म नहीं करेंगे एक जगह में आकर के, तो बताओ क्या होगा? अगेन एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा. आज आपके स्कूल में भी जब आपके टीचर्स आपके मार्क्स का रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का रखा जाता है. From April to March, this is academic year का आपका एक record रखा जाता है. Even you have a period, आपका marks का जो हिसाब रखा जा रहा है, that is also for one particular period, and that period is for you is an academic period. Similarly, in the similar concept, जब हम लोग accounting maintain करते हैं, जब बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, तो अकाउंट्स भी एक पर्टिकुलर तारीख से स्टार्ट हो करके और एक पर्टिकुलर डेट तक बनता है, ताकि उस दोनों के बीच का, यहां से लेकर यहां तक का, हम लोग क्या निकाल सके? एंड रिजल्ट निकाल सके. एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है बढ़िया से? सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड. दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड. सो अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है, या वो टाइम फ्रेम है, जिसके लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं. सो इफ आई प्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन, इसको अगर हम नंबर लाइन में प्रेजेंट करें, तो कुछ इस तरह से हम बोल रहे हैं.
से फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. सो जैन से लेकर दिसंबर, अब आपका, अब देखिए आप कैसा करना चाहते हैं. अगर आप बोलोगे कि मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं ये तीन महीना का अकाउंट बनाना चाहता हूं, तो आपका अकाउंटिंग का जो टाइम फ्रेम है वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से और खत्म हो जाएगा 31 मार्च. सो देयरफॉर आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो एंड रिजल्ट ये पीरियड के लिए मिलेगा, ये 3 महीना के लिए मिलेगा. मतलब ये 3 महीना का परफॉर्मेंस है, 3 महीना बिजनेस का परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा. आप बोलोगे नहीं मैं 6-6 महीना का रखना चाहता हूं, तो जनवरी से जून, सो मतलब 1 जनवरी से 30 जून. सो आपका अकाउंटिंग का टाइम फ्रेम क्या हो गया, 6 मंथ्स 180 डेज. सो यू स्टार्ट योर अकाउंटिंग फ्रॉम 1st जनवरी एंड यू एंड ऑन 30 जून एंड देन यू कंक्लूड, यू डिराइव यूर द रिजल्ट. जो बिजनेस हुआ उस बिजनेस का रिजल्ट निकलेगा कब से कब तक का, जनवरी से जून तक का हिसाब निकलेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड कि जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग हमेशा अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर पीरियड का करते हैं, ना कि हम लोग बस जैसे ही तैसे शुरू कर दिए, नहीं. सो यू विल ऑलवेज हैव अ डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू विल हैव अ डेफिनेट एंडिंग पॉइंट. एंड वो जो डिस्टेंस है राइट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, वो हमारे टाइम है ना. योर टाइम में भी 1 मंथ, योर टाइम में भी 3 मंथ, योर टाइम में भी 6 मंथ एंड योर टाइम में भी मैक्सिमम हाउ मच, 12 मंथ्स. सो आपका अकाउंटिंग पीरियड महीना महीना हो सकता है, आपका अकाउंटिंग पीरियड 3-3 महीना का हो सकता है, और आपका अकाउंटिंग पीरियड 6-6 महीना का भी हो सकता है, और या तो 1 साल 12 महीना का हो सकता है. So, जिस पीरियड का आप अकाउंट्स बना रहे हो, आपका अकाउंटिंग पीरियड है. योर अकाउंटिंग पीरियड में कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स 6 मंथ्स और 12 मंथ्स. सो मैक्सिमम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो कितना महीना का होगा, 12 महीना का होगा या 1 साल का होगा. क्लियर है?